marine turtle conservation project. Because the name indicates it's marine turtle, so definitely gin turtle ki conservation ke reference se discussion hogi, wo marine dwellers hain, yani unme jo khas taur par Pakistan ke hawale se jo species paayi jaati hain unme green turtle hai aur olive ridley turtles hain. Before discussing the objectives of the project or the consequences or the results जो यहाँ से डिराइव किए गए हैं, हमें इस चीज का जरूर आइडिया होना चाहिए कि पाकिस्तान में टर्टल्स की नेस्टिंग साइट्स कौन कौन सी और कहाँ कहाँ हैं. सो जो सबसे इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट्स हैं, दे आर हॉक्स बे सैंड स्पिट बीचेस रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट नेस्टिंग हैबिटेट फॉर मरीन टर्टल्स इन पाकिस्तान. ये जो एरियाज हैं, ये तो द नोन द प्रोमिनेंट नेस्टिंग साइट्स हैं. कुछ रिकॉर्ड्स ये भी कहते हैं कि इनके अलावा जो नेस्टिंग साइट्स हैं वो बलूचिस्तान में जो कोस्टल लाइंस हैं पाकिस्तान की, वहां पर भी हमें वेरियस ट्रेसेस और स्केलेटन वेरियस टर्टल्स के वहां पे बहुत ज्यादा मिले हैं. सो इन इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट नेस्टिंग साइट्स के अलावा जो बलूचिस्तान की कोस्टल लाइंस हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा हमें जो टर्टल्स हैं वो मिलते हैं. और मरीन टर्टल्स हैव बीन फाउंड टू नेस्ट इन विसिनिटी ऑफ ईच ऑफ द फोर मेन फिशिंग टाउन्स. इनमें जीवानी है, इनमें गवादर है, इनमें और मारा है और पसनाई है. द मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तान एज वेल. वाइल दी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द टर्टल्स, देर आर टू सेपरेट प्रोजेक्ट्स जो सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ हैं और WWF ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है. ये दो प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से इन मेरीन टर्टल्स को कंजर्व किया जा रहा है और प्रोटेक्शन दी जा रही है. सो द सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वाइल द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर पाकिस्तान, इन दो सेपरेट एजेंसीज ने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स रन किए हैं इन मेरीन टर्टल्स को प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए. विद रेफरेंस टू द सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, this has been engaged in research and conservation of marine turtles in the Hawke's Bay sand spit area since the last 1979. Objective is to save the marine turtle from extinction. The following steps have been undertaken to achieve this project objective: establishment of the enclosures for the protection of turtles, their hatchlings, their eggs, along with the nest zone to save them from predators and poachers. बिकॉज अब हम यहाँ जब प्रीडेटर्स और पाउचर्स की बात कर रहे हैं, दे आर बींग कैप्चर्ड फॉर देयर सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स, दे आर बींग कैप्चर्ड फॉर देयर एग्स, देयर हैचलिंग्स आर बींग कैप्चर्ड फॉर देयर कैरापेसिस एंड अदर बॉडी पार्ट्स, बिकॉज दे आर यूज इन सर्टन मेडिसिन, इन चाइनीज मेडिसिन और इन अदरवाइज. सो इन मरीन टर्टल्स को पाउचिंग से और प्रीडेटर से बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया. और यही इन प्रोजेक्ट्स का, दोनों प्रोजेक्ट का, यानी वाइल्ड लाइफ जो WWF ने भी स्टार्ट किया और सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने भी स्टार्ट किया, इनका बेसिक प्राइम ऑब्जेक्टिव ही यही है. इस प्राइम ऑब्जेक्टिव के अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रोजेक्ट का वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से, दैट द नंबर मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड. That counting of the animal is very important. That before the project, what is the number, and after the conservation strategies, what is the number? Not only the documentation is required, rather not only the documentation is the key component of the project. It is also attached with the tagging. के animals को tag किया जाए so that उनकी migratory activities को watch किया जाए, उनकी जितनी भी बाकी life cyclic जो forms हैं उनको watch किया जाए, ताकि अगर उनके माइग्रेशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं या ड्यूरिंग द माइग्रेशन अगर उनको पाउचिंग हो रही है या कैप्चरिंग हो रही है या प्रेडेशन हो रही है, उस वक्त भी उसको चेक किया जाए या टैग या चेक किया जाए या टैग किया जाए ताकि उसको बचाया जा सके, उसको सेफ किया जा सके. सो थ्री फेंस्ड हैचरीज आर प्रेजेंटली बींग यूज फॉर द प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज. टू आर लोकेटेड इन सैंड स्पिट एंड वन इन द हॉक्स बे बीच. कंस्ट्रक्शन वर्क इज ऑल्सो अंडर वे ऑन द लेबोरेटरी in the Hawke's Bay beach, which is being built to do research on the behavior of turtles during the captive breeding, study their migration pattern, documenting nesting frequency. ab
क्योंकि जब इंटरनेशनल एजेंसीज या नेशनल एजेंसीज भी कंजर्वेशन की इन्वॉल्व होती हैं तो एक स्ट्रेटजी ये भी होती है कि इंस्टेंट सिचुएशंस के बाद, इंस्टेंट रिलीफ के बाद, जो फ्यूचर में उन एनिमल्स को किस तरह कंजर्व किया जाए उसके लिए भी स्ट्रेटजीज डिवाइस की जाए. फॉर दैट पर्पज देयर हैज बीन अ रिसर्च फैसिलिटी इन द हॉक्सबे बीच, जहां पर देयर इज अ प्रॉपर लैब, फुली इक्विप्ड लैब इज देयर. वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि उन एनिमल्स के जो भी लाइफ साइक्लिक पैटर्न्स हैं, माइग्रेटरी पैटर्न्स हैं, उनकी नेस्टिंग जो एक्टिविटीज हैं उनको वॉच किया जाए, उन उन उनको स्टडी किया जाए, उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाए, सो दैट दीज एनिमल्स कैन बी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एज वेल एज कंजर्वेशन. द प्रोजेक्ट हैज मैनेज टू रिलीज 4,30,000 हैचलिंग्स इन टू द सी एंड टैग 2,000 मदर टर्टल्स. दिस इज वॉट नॉट ओनली डॉक्यूमेंटेशन, रादर टैगिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब उससे होगा यही कि जब हम इन चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे तो जब उनको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, उनके ऊपर रिसर्च परफॉर्म हो रही होगी, तो उनकी फ्यूचर कंजर्वेशन प्रोटेक्शन भी परफॉर्म की जा सकती है. इस प्रोजेक्ट के अंडर जब बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटिंग किया गया है, टैगिंग की गई है, तो मोर देन 4 लाख एग्स को दोबारा रिहेबिलिएट किया गया है, जिसकी वजह से इन इन जो मरीन टर्टल्स है इनका नंबर कंपैरेटिवली इम्प्रूव हो गया है. ये अपनी थ्रेटन लिस्ट में से कंपैरेटिवली जिनका स्टेटस है दैट हैज बीन इम्प्रूव नाउ.